अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बड़े प्यारे सलाम से आपके मैंने स्टार्टअप किया ब्लॉग का। रमज़ान के दूसरे अशरे की दूसरी सहरी है और आपका भाई बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने के लिए, क्योंकि रोज़ा वगैरह रखना है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ से अपने ब्लॉग का स्टार्टअप लेते हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सोते हैं और फिर सुबह मिलते हैं। कल है 23 मार्च, तो कल मुझे जॉब पर भी जाना है लेट। फटाफट से सैरी करते हैं और फिर सैरी के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ सुबह। बाय। सो यार हेलो जी, फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ जॉब पे, क्योंकि जॉब पे जाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अभी जाना है जॉब पे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत काम है जो देखते हैं कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। और काफ़ी टाइम हो गया डिक्टेटिंग वगैरह नहीं करी, तो मज़ा नहीं आ रहा है चीज़ों में, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि रोज़ाना शॉर्ट रील्स भी बनानी पड़ रही हैं, यानी रोज़ाना शॉर्ट रील्स, फिर अभी कंटेंट वीडियोस लगातार एक के बाद एक आ रही है। रमज़ान की जो कंटेंट वीडियोस हैं वो आई हैं अभी, तो बड़ा बिजी लाइफ चल रही है, बड़ी बिजी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है डिक्टेटिंग का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिक्टेटिंग करने में बैठूँगा ब्लॉग की तो वो बड़ा लंबा एक प्रोसीजर चला जाता है हाथ से, फिर उस डिक्टेटिंग को बैठ के एडिट करना, फिर काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड करना, तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है, जिसकी वजह से जो है डिक्टेटिंग नहीं हो पा रही है। शॉर्ट रील्स वगैरह चल रही हैं माशाल्लाह से, और रमज़ान की कंटेंट वीडियोस चल रही हैं, रमज़ान की वीडियोस चल रही हैं, तो अभी इस वजह से मैं नहीं बना रहा। बाकी गर्मी फुल यहाँ पे भी सऊदीया वाली ही हो रही है। सो फिलहाल फटाफट से निकलते हैं जॉब पे, वहाँ से फ्री होते हैं, बाकी के सीन देखते हैं क्या है। सो लेट्स गो। तो यार फाइनली अभी जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने, नमाज ज़ोहर, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं हूँ सामे है और गोइंग टू नमाज ज़ोहर। आज फाइज नहीं है, फाइज की छुट्टी है। सो अभी मैं और उसामा हम दो जा रहे हैं नमाज ज़ोहर पढ़ने। सो लेट्स गो एंड मस्जिद। फाइनली जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ के बाद जो है मैं आ गया घर। घर पे आके कपड़े वगैरह चेंज करे, क्योंकि बाइक का थोड़ा बहुत काम करवाना था, सो काम वगैरह करवाया और फिर बाइक का काम करवाने के लिए हम लोग चले गए थे बाइक की शॉप्स पे। सो वहीं पे ही मिलते हैं बाइक की शॉप्स पे। निकल गया है और ये चेन थोड़ी सी लूज़ हो रही है, सो इसको टाइट करवाना है और ऑयल चेंज करवाना है, सो ऑयल वगैरह चेंज करवाना है। ये भी सही था। अभी रमज़ान भाई बैठ गए हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बाइक की चेन टाइट करना है। मेरी ये चेन बताओ कब से लूज़ है, जब मैं मुल्ला की चेन टाइट करवाने आया था जब से लूज़ है चेन, और मैं अब टाइट करवा रहा हूँ उसको। अब बीच में उतर गए रमज़ान भाई रात में, ना मैं आ रहा नागन से, अब बीच में चैन उतर गए, पूरा रोड सन्नाटा, मैं आयशा मंजिल से आ रहा था बल्कि पुल पे चैन उतरी और पूरा पुल सन्नाटे में, मेरी खुशक। उस टाइम पर दो मोबाइल पड़े हुए थे घर वाले ना, अबे भाई अल्लाह अल्लाह करके तेरे भाई ने चैन चढ़ाई, स्लो स्लो पुल मारा, फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद से परेशान भी नहीं करा चैन ने आपस की बात से। ऑयल वगैरह है चैन में सही है, है भाई या फरहान वो अपना रमज़ान वो आवाज़ जो आ रही थी वो तो चेक कर ले, कैपेड लूज हुए हैं या जो जो तूने उस दिन आवाज़ में तेरे को सुनाई थी। स्टार्ट करूँ, फाइनली बाइक की किक शाफ्ट का मसला हो गया था, सो अभी अभी जाके बनवाई है और नई वगैरह बोल्ट वगैरह लगवाया, तो आते वक्त जो है ऑयल वगैरह चेंज करवाया था और काफ़ी सारे काम थे वो करवाए थे, तो मैंने बोला चलो यार ये किक जो है एंड में आके इस तंग करा, और आते वक्त मैंने लिया था कुमैल का ये डब्बा पूरा, सो अभी चलते हैं घर और घर पे चल के देखते हैं क्या सीन है। और उसके बाद वापस घर आए तो नमाज असर का टाइम हो गया। A few moments later. So यार फाइनली उठ चुके हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की, थक गया था रोजे के अंदर बाइक का काम वगैरह करवा के, और गर्मी वगैरह इतनी थी एक तो, और यार काफ़ी सारी ना सर में दर्द तो चक्कर आ रहे थे, वैसे सर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उठ गया आपका भाई वापस फ्रेश हो गए,
नमाज भी घर में पढ़ी यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं जाने की, इसी वजह से आज मैं ग्राउंड भी नहीं गया। और अभी भी रोज़ा खुलने में काफ़ी थोड़ा टाइम है, अब बिल्कुल हालत डाउन हो रही है। रोज़े के बाद ही थोड़ी सी एनर्जी बॉडी के अंदर आई, सो फिलहाल जो है अभी रोज़े की तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, चीज़ें वगैरह बन रही हैं घर में। और आपका भाई फ्रेश होकर थोड़ा सा बैठा है, थोड़ा मोबाइल इस्तेमाल करूँगा तो कुछ थोड़ा टाइम पास हो जाए। फिलहाल ये वाली घड़ी तो फिलहाल गलत चल रही है। और अभी टाइम हो गया है वैसे तो कोई 6:15 का टाइम हो, 6:30 का टाइम हो रहा है, हाँ 6:15 बज रहा है। फिलहाल अभी पापा जो है थोड़ा बहुत अफ्तारी वगैरह वो रेडी कर रहे हैं वहाँ किचन में, और आपका भाई थोड़ा सा आराम करेगा, फिर डायरेक्ट तुम लोग को मिलता हूँ अफ्तारी पे। सो यार फाइनली अफ्तारी वगैरह का टाइम हो चुका है, सो अभी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अफ्तारी वगैरह का टाइम फिलहाल हो चुका है। अरे भाई पूरा टाइम हो गया, तो जल्दी से 3 मिनट है, आ रहा हूँ बस, ये आखिरी है बस मेरा। पकौड़े वगैरह चले जा रहे हैं फिलहाल जो है, पकौड़े वगैरह चल रहे हैं। पापा रखना शुरू करो, सब चीज़ें वही हैं बस, चटनी ले जाओ या फिर चटनी का जी हाँ लाल चटनी वगैरह डाल देना, बाकी चीज़ें फिर इससे निकाल दें। अफ्तारी का टाइम करीब आता आ रहा है और अब्बा भी हमारे सिर्फ पकौड़े तल रहे हैं, ये चक्कर फिलहाल जो है। यहाँ से सामान वगैरह निकाल के रख देते हैं भाई, यहाँ पे फ्रूट आए फ्रूट बस यही सामान था फिलहाल यहाँ पे। तो फिलहाल बाकी के लिए ये है कि अभी जो है पापा जब तक किचन में बना रहे हैं, देखते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर पापा के पास ही, जैसी सारी गिरफ्तारी होगी तो फिर वापस अंदर आ जाएंगे। अभी ये बन चुके हैं पकौड़े और बाकी के बनना बाकी है, भाई पापा कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, पापड़ भी चलेंगे क्या? पापड़ यही चल दो देख लें, पापड़ ही चलने अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप बैठो ना तुम, लेके समझ आ रहा हूँ बस। पकौड़े जूस बनाया, जूस हो गया, जूस हो गया, फ्रीजर में रखा हुआ है। सही है, सो फिलहाल जो है चलते हैं जूस वगैरह लेके बैठते हैं, क्योंकि पापा का तो आज शुरू का है नहीं, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि पापा की थोड़ी तबीयत सेट नहीं है। दैट्स रीज़न क्या हुआ लिख लिया कैसे डाल तो दिया इसको, सब इसको निकालता हूँ फिर मिलता हूँ। सो भाई फाइनली जो है अफ्तारी वगैरह बैठ चुके, पकौड़े वगैरह आ रहे हैं और रोज़ा भी खुलने ही वाला है, तो जो है फिलहाल बस फटाफट अफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं। ये बना हुआ शरबत जामे शीरी का फ्रीजर में रख दिया ताकि ठंडा हो सके, सो ठंडा वगैरह ये हो चुका है। और यहाँ पे रख चुके हैं हमारे केले वगैरह, यानी जो अफ्तारी का सामान होता है वो, फ्रूट्स वगैरह। और वहाँ पे जो है अभी पापा बना रहे हैं पकौड़े और पापड़ वगैरह, जब तक वो सब चीज़ आएंगी तो इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि अफ्तारी होने में बस अब 2 से 3 मिनट आ गए और 2-3 मिनट बाद सायरन हो जाएगा, फिर अफ्तारी वगैरह खुल जाएगी। तो एनीवे आज के ब्लॉग में जो है सिर्फ मेरे बाइक का काम ही था और कोई एक्सप्लोरेशन थी नहीं, क्योंकि रोज़ा भी था, गर्मी एक तो बहुत थी आज, और फिर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, कोई व्लॉग बनाने की या कुछ भी, तो दैट्स द रीज़न कि जो है कोई भी इतनी खास एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाई। सो एनीवेज यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग को एंड, होप यू गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड एवरी मोमेंट्स ऑफ दिस व्लॉग, सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।